यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रेवाड़ी के एसपी ने एक हनी ट्रैप का खुलासा किया है। एसपी की जांच रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि 5 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने पैसे वसूलने के लिए मामला दर्ज करवाया था। जांच रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस ने महिला को गिरफ्तार भी कर लिया और जेल भेज दिया गया है। 26 नवंबर 2017 को रेवाड़ी की एक अदालत ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए। दरअसल 18 मार्च 2016 को एक महिला ने 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। 5 आरोपियों में से 2 आरोपी पेशे से शिक्षक थे। एक पुलिसकर्मी की मदद से लोगों को फंसाने वाली महिला ने 5 आरोपियों से 70 लाख रुपये की मांग की थी, जिसका स्टिंग आरोपियों ने अदालत में पेश भी किया था। इसके बाद न्यायाधीश फलित शर्मा ने 5 आरोपियों को बाइज्जत बरी करने और जांच के आदेश भी दिए थे। लंबे समय के बाद आरोप मुक्त हुए शिक्षक ने कहा है कि न्याय पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा है उन्हें। में एक गिरोह है जो शरीफ लोगों से पैसे हटने का काम करता है। सपना अपने आप को पुलिस में बता के लोगों पे दबाव बनाती है और इसके साथ एक एएसआई है नरेश जी, टीकली बादशाहपुर गुड़गांव का रहने वाला है। वो सारे भूमिका वही बनाता है, कैसे क्या आदमी को फंसाना है, किस तरीके से दबाव बनाना है। तीसरा एक आदमी है मास्टर गोविंद जो भाकली से जी। ये 3 लोग हैं और भी कोई हो सकता है जिनका मुझे नहीं मालूम। ये लोग शरीफ लोगों से पैसा हटने के लिए किसी न किसी तरीके से उनको अपने पास बुलाते हैं या उनकी इस तरह की हाजिरी दिखाते हैं कि भाई हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और फिर उसके बाद उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं। इसने मुकदमा दर्ज करवाया था 376D का जी, 5 मुलाजमों के खिलाफ, 5 आरोपियों के खिलाफ जी। वो जज साहब ने उनका बरी हो गए और इनके खिलाफ लिखा था मुकदमा दर्ज करने के लिए। तो हमने बाद तस्दीक डीएसपी साहब ने आदेश दिए और उसके बाद मुकदमा दर्ज हो गया, जो कल इसके शाम 8:30 बजे गुड़गांव से हमने अरेस्ट करी थी, आज पेश।